सी प्रोग्राम कंट्रोल में हम आज फॉर रिपीटेशन, डू व्हाइल रिपीटेशन, स्विच केस, मल्टीपल सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स ये देखेंगे। सबसे पहले रिपीटेशन एसेंशियल्स। हम क्यों चाहते हैं कि एक प्रोग्राम है वो पुनरावृत्ति को काम में लेते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करे। यदि हम पुनरावृत्ति को काम में नहीं लेते हैं, कोई प्रोग्राम सिंपली लिखी हुई कैलकुलेशन को करता है तो उसकी स्पीड एक कैलकुलेटर से कम होगी। मतलब हम कैलकुलेटर में सीधा अपनी कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ एक प्रोग्राम लिखेंगे तो प्रोग्राम लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा, कैलकुलेटर से वही कैलकुलेशन करने में कम टाइम लगेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि अपनी लंबी कैलकुलेशंस कंप्यूटर इजीली कर दे। तो जिन कैलकुलेशंस में पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है, तो कंप्यूटर को एक बार बता दिया जाएगा और वो लूप लगा के उनको सबको एक बार में ही कैलकुलेट कर लेगा। ये प्रोग्रामिंग का सबसे इजीएस्ट और सबसे पहला कदम होता है जो हमें प्रोग्रामिंग सीखने के लिए उत्साहित करता है। हम प्रोग्रामिंग का यूज कर सकते हैं, उसका सबसे महत्वपूर्ण और पहला नियम यही है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमें पहाड़ा लिखना है, 5 का पहाड़ा लिखना है, 10 का पहाड़ा लिखना है, या किसी भी नंबर का पहाड़ा लिखना है, टेबल लिखनी है, वी वांट टू राइट ए टेबल ऑफ एन नंबर। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें एक रिपीटेशन होता है, वो एक नंबर है उसको दूसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं और प्रिंट करते जाते हैं, या उसी नंबर को उसमें ऐड करते हुए प्रिंट करते जाते हैं। तो इसके लिए एक यहाँ प्रोग्राम लिखा है, जिस प्रोग्राम में एक व्हाइल स्टेटमेंट है जो आई पर उसमें कंडीशन लगाई है, आई को पहले इनिशियलाइज कर दिया और आई की वैल्यू 10 तक जाएगी, 10 तक जाएगी, जब आई की वैल्यू 10 से ज़्यादा हो जाएगी, 10 से ऊपर हो जाएगी, ये रिपीटेशन बंद हो जाएगा। इस तरह की हमने रिक्वायरमेंट रखी है। तो इस तरह के कोई भी जो प्रोग्राम है, अधिकतर प्रोग्राम रिपीटेशन के साथ ही बनाए जाते हैं। इसी रिपीटेशन की प्रोसेस को हम लूपिंग कहते हैं। मतलब एक ही जगह ये लूप बन रहा है, एक ही प्रोसेस बार बार रिपीट हो रही है, तो इसको हम लूपिंग कहते हैं। तो हम रिपीटेशन भी कह देते हैं और लूपिंग भी कह देते हैं। ये लूप है, इसमें वो कुछ इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को दे रहे हैं जो कंप्यूटर पुनरावर्ती रूप से उनको के एग्जीक्यूट करता रहेगा। मतलब उन्हें सेम प्रोसेसेस का रिपीटेशन होता रहेगा, एक लूप में ये कंटिन्यू रहेंगी जब तक कि कंडीशन हमने जो दे रखी है वो ट्रू होगी। कंडीशन हमने दे रखी है कि आई की वैल्यू 10 के इक्वल या इससे कम होनी चाहिए। इस तरह की रिपीटेशन को हम काउंटर कंट्रोल रिपीटेशन या डेफिनेट रिपीटेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें हमें पहले से पता होता है कि कितने बार लूप चलेगा, लूप चल एग्जीक्यूट कितनी बार होगा या कितने टाइम लूप में ये रिपीटेशन होता रहेगा। इसके लिए हमने यहाँ पर एक काउंटर वेरिएबल लिया है आई, जिसको यहाँ आई के रूप में डिक्लेयर किया है और उस पर हमने कंडीशन लगाई है। ये कंट्रोल वेरिएबल पे इसकी कंडीशन के अनुसार डिसाइड होगा ये लूप कितनी बार चलेगा, और ये कंडीशन फुलफिल करे इसके लिए आई की वैल्यू का चेंज होना ज़रूरी है, क्योंकि इसको इनिशियलाइज आई इक्वल टू 1 किया। यदि आई की वैल्यू 1 ही रही तो ये कंडीशन इनफिनाइट टाइम के लिए ट्रू रहेगी। तो इसके लिए हम एक इंक्रीमेंट डाल देते हैं जिसमें आई की वैल्यू चेंज होती रहती है, अपनी ज़रूरत के अनुसार हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट डालते हैं। वर्ड प्रेजेंट जो कंडीशन है उसके लिए हमें इंक्रीमेंट डालना ज़रूरी है, यदि ये कंडीशन ग्रेटर देन की होती तो हम यहाँ डिक्रीमेंट डालते। और जब लूप ख़त्म हो जाता है, लूप पूरा हो जाता है, लूप कंप्लीट हो जाता है, मतलब कंडीशन फॉल्स हो जाती है, उसके बाद प्रोग्राम में इस लूप के बाद में क्या एग्जीक्यूशन के लिए स्टेटमेंट्स दिए हैं वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है, वो काम होने लग जाता है। मतलब लूप पूरा होते ही, लूप की कंडीशन नो होते ही प्रोग्राम पूरा नहीं होता है, प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होता है, उसके बाद में क्या स्टेटमेंट लिखा है जो
रिपीटेशन का जो हमने लिखा है स्टेटमेंट, उसकी बॉडी ख़त्म होने के बाद में जो सेंटेंस लिखे हैं उनका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमने एक प्रिंट टाइप स्टेटमेंट दिया है जो आउटपुट में वाइल लूप इज ओवर प्रिंट करेगा। इसको हम कंपाइल रन करके देख लेते हैं। तो एक प्रोग्राम लेते हैं, ये वही प्रोग्राम है जो हम अभी देख रहे थे। इसमें एक हेडर फाइल इंक्लूड किया, स्टैंडर्ड इनपुट पर आउटपुट, बाद में मेन फंक्शन स्टार्ट होता है जिसमें N0 i और n को डिक्लेयर किया है, i को A1 से इनिशियलाइज किया है, N0 को रीड किया है। वाइल रिपीटेशन स्टेटमेंट स्टार्ट होता है जिसमें i पे कंडीशन है लेस देन और इक्वल टू 10, n इक्वल टू i टाइम्स n नोट कर दिया है, i की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर दिया और n को प्रिंट कर दिया। लूप जब खत्म होता है वहां पर वाइल लूप इज ओवर प्रिंट कर दिया। इसको कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइलेशन के लिए कमांड है लिनक्स में gcc-o फाइल नेम स्पेस फाइल नेम डॉट सी। कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं है। रन किया, रन करने पर ये कह रहा है इंटीजर दो, हमने कोई इंटीजर दे दिया, फॉर एग्जांपल लेट्स से 7 दे दिया, तो इसने 7 का पहाड़ा लिख दिया, 7 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 एंड सो ऑन 70 तक इसने लिख दिया। हम इसको दोबारा रन करते हैं, कोई और इंटीजर दे देते हैं, फॉर एग्जांपल हमने 28 दे दिया, तो इसने 28 का टेबल प्रिंट कर दिया। एंड में ये वाइल लूप इज ओवर भी प्रिंट कर रहा है। हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, सेंटिनल कंट्रोल्ड लूप देखते हैं। तो यहाँ पर एक दूसरा प्रोग्राम लिया है, ये प्रोग्राम यहाँ पर जो कंडीशन को हम देखें, खासकर लूपिंग वाली कंडीशन को देखें, तो यहाँ लूपिंग थोड़ी डिफरेंट है। पिछले प्रोग्राम में यहाँ काउंटर कंट्रोल्ड लूपिंग थी, मतलब हमें पहले से पता था कितनी बार लूपिंग होगी, कितनी बार ये पुनरावृत्ति होगी। जो कंडीशन दी थी उसमें हमने आई लेस देन इक्वल टू 10 लिखा था, मतलब हमें पता था 10 टाइम्स रिपीटेशन होगा। यहाँ 10 टाइम्स रिपीटेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर इनडेफिनेट टाइम्स रिपीटेशन है। जो यू इसको रन कर रहा है उस पर डिपेंड करता है वो इसको कब कंप्लीट करेगा, और इसीलिए इसको सेंटिनल कंट्रोल्ड रिपीटेशन या इनडेफिनेट रिपीटेशन भी कहते हैं, अनिश्चित पुनरावर्ती या सेंटिनल कंट्रोल्ड पुनरावर्ती। इसमें हमें पहले से नहीं पता होता कि लूप कितनी बार चलेगा। इसके बाद में यहाँ पर तो लूप कितनी बार चलेगा कैसे डिसाइड होगा कि अब लूप को बंद करना है, तो ये डिसाइड करने के लिए हम एक डाटा एंटर करते हैं। जब यूजर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, रन करता है, उस समय एक डाटा एंटर करता है, उस डाटा को हम ग्रेड नाम के वेरिएबल में रीड कर रहे हैं, और फिर उस ग्रेड पे कंडीशन लगाई है। ये कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगी तब ये लूप रिपीटेशन बंद हो जाएगा। अब ये जो कंडीशन हम डाल रहे हैं इसमें, ये कंडीशन जब एंड होगी उसको हम एंड ऑफ डाटा भी कहते हैं, मतलब अपना डाटा यहाँ एंड हो गया है, जो डाटा दे रहे हैं वो अब हम बंद कर चुके हैं। अब इस तरह की कंडीशन के लिए ये कंडीशन वाला डाटा कुछ इस तरह का होना चाहिए जो नॉर्मल रियल डाटा में नहीं है। यहाँ जो एग्जांपल लिया उसमें ग्रेड कुछ इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, मतलब ग्रेड के रूप में जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव इंटीजर होगी। यदि वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, क्योंकि जैसे किसी क्लास में स्टूडेंट्स के क्या मार्क्स आए वो पॉजिटिव होते हैं, तो हमने कंडीशन में डाल दिया एक नेगेटिव नंबर लेके कि ग्रेड नॉट इक्वल टू -1, मतलब जब तक पॉजिटिव नंबर मिलते रहेंगे तब तक ग्रेड -1 नहीं होगी, और जब मुझे मेरी एंट्रीज खत्म हो जाएंगी, मेरा डाटा खत्म हो जाएगा, तो मैं उसको -1 दे दूंगा और प्रोग्राम का एंड हो जाएगा, मतलब प्रोग्राम का नहीं लूप का एंड हो जाएगा। हम इस प्रोग्राम को कंपाइल रन करके देख लेते हैं। तो ये है प्रोग्राम, इसमें एडर फाइल इंक्लूड कर दी, मेन फंक्शन में कुछ डिक्लेरेशन है, काउंटर डिक्लेयर किया अनसाइन इंटीजर के रूप में, ग्रेड और टोटल को इंटीजर के रूप में, एवरेज को रियल नंबर के रूप में,
डिक्लेयर किया है, टोटल एनकाउंटर को जीरो से इनिशियलाइज कर दिया, बाद में हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट दिया है जिसमें इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, ग्रेड को रीड किया, ग्रेड पे कंडीशन लगा दी, व्हाइल और लूप स्टार्ट कर दिया, बाद में टोटल में ग्रेड को ऐड कर दिया, काउंटर की वैल्यू एक से इनक्रीज कर दी, बाद में नेक्स्ट ग्रेड रीड कर लिया है, और लूप जब बंद हो जाए उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं काउंटर इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, इस पर इफ़ लगा रहे हैं। हम ऊपर प्रोग्राम में देखें तो काउंटर को हमने जीरो से इनिशियलाइज किया था और काउंटर की वैल्यू लूप के अंदर वन इनक्रीज कर रहे हैं। यदि हम काउंटर के अंदर वैल्यू इनक्रीज कर रहे हैं तो काउंटर की वैल्यू जीरो कब होगी, जब ये लूप के अंदर एक बार भी नहीं आएगा, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इफ में कंडीशन अन्यथा फॉल्स नहीं होगी, क्योंकि लूप एक बार भी चला है तो काउंटर की वैल्यू वन हो चुकी है। इस तरह से इफ स्टेटमेंट है उसमें काउंटर की वैल्यू जीरो नहीं होने पर ये एवरेज कैलकुलेट करेगा, एवरेज टोटल अपॉन काउंटर, काउंटर काउंट कर रहा है कि कितनी बार लूप चला है, तो टोटल में काउंटर का भाग देने पर हमें एवरेज मिल जाएगा। फिर ये फ्लोट क्या लिखा है, तो एक इंटीजर में इंटीजर का भाग देने पर हमें इंटीजर पार्ट मिलेगा, इसलिए, लेकिन एवरेज तो इंटीजर हो जरूरी नहीं है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, टोटल की फ्लोट वैल्यू ले रहे हैं, टोटल की जो वैल्यू है उसको फ्लोट नंबर, रियल नंबर के रूप में कंसिडर कर रहे हैं, जिससे उसमें काउंटर का भाग देने पर भी वो रियल नंबर ही रहेगा और एवरेज वो एक रियल नंबर होगा, उस एवरेज को हम प्रिंट कर देते हैं। यदि कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो हम प्रिंट कर देते हैं नो ग्रेड्स वर एंटर्ड। प्रोग्राम को कंपाइल और रन करके देखते हैं, कंपाइल हो गया विदाउट एनी एरर, रन किया और ग्रेड दे देते हैं -1। हम -1 देते हैं तो जैसा प्रोग्राम में दिख रहा था नो ग्रेड्स वर एंटर्ड प्रिंट हो गया। हम कुछ और देते हैं, इनपुट में 10 दे देते हैं और बाद में -1। 10 का एक नंबर है उसका एवरेज वो खुद ही रहेगा, हम ज़्यादा नंबर दे के देखते हैं 10, 20, 30, -1 एवरेज ये भी ठीक आ रहा है। फिर से रन करके देखते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 93, 95, 93, 92, 84, 36, 39, 56, 75, 83, 84, 28, 73 एंड सो कितनी भी दे सकते हैं, अब एंड करते हैं। ये एवरेज आ गया 61.33। तो इसने सब नंबर्स को ऐड किया है, कितने नंबर्स हो गए उनका भाग दिया है। यहाँ से ये भी पता चलता है कि ये डेफिनेट लूप नहीं है, इनडेफिनेट लूप है, हमारे इनपुट पे डिपेंड करता है कि ये कितनी बार चलेगा। काउंटर कंट्रोल्ड रिपीटेशन, हम काउंटर कंट्रोल्ड रिपीटेशन को देखते हैं। और तो अब एक और एग्जांपल लिया हमने, जो एग्जांपल है उसमें एक व्हाइल लूप स्टार्ट किया है, उससे पहले काउंटर को वन किया है, काउंटर लेस देन इक्वल टू 10 लिया है और प्रिंट किया है काउंटर को, मतलब हम एक से 10 तक प्रिंट कर रहे हैं और कुछ नहीं है, क्योंकि काउंटर में ये वैल्यू को एक एक से इंक्रीज कर रहे हैं। इसका आउटपुट देखें, आउटपुट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये इसका आउटपुट है। इसमें काउंटर नाम से जो वेरिएबल लिया है इसको हम कंट्रोल वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि लूप जो है उसमें जो कंडीशन लगी है वो इसी वेरिएबल पर लगी है, इसलिए हमको इसको कंट्रोल वेरिएबल कहते हैं। और ये काउंटिंग का काम करता है, इसलिए इसको लूप काउंटर भी कहते हैं। इसको इनिशियलाइज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फर्स्ट टाइम जब कंडीशन लगेगी तो इसकी कोई इनिशियल वैल्यू होगी उस पर लगेगी, इसलिए इसको सबसे पहले हम इनिशियलाइज करते हैं, जो जहाँ की हमने वैल्यू 1 दे रखी है। उसके बाद में कंडीशन में यहाँ ये टेस्ट होगा कि ये सेटिस्फाई हो रहा है, ये ट्रू है तो लूप चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। और ये लूप कभी नो भी कहे, कभी फॉल्स भी हो, इसके लिए काउंटर प्लस प्लस लिख दिया, ये इंक्रीमेंट का काम करता है। हम इसको कंपाइल और रन करके देखते हैं, तो ये प्रोग्राम है, एडर फाइल इंक्लूड किया है, मेन फंक्शन, मेन फंक्शन में काउंटर को इनिशियलाइज, काउंटर को डिक्लेयर किया और इनिशियलाइज कर दिया, वैल्यू 1 दे दी, रिपीटेशन स्टेटमेंट व्हाइल
रिपीटेशन जिसमें काउंटर पे कंडीशन लगा दी लेस देन और इक्वल टू 10, काउंटर को प्रिंट कर दिया और काउंटर की वैल्यू इंक्रीज कर दी, लूप का ओवर हो गया और बाद में प्रोग्राम पूरा कंप्लीट हो गया। कंपाइल और रन करके देखते हैं, कंपाइल हो गया, रन किया, जो आउटपुट हमने देखा था वैसा आउटपुट हमें मिल गया। फॉर रिपीटेशन स्टेटमेंट, फॉर रिपीटेशन स्टेटमेंट क्या होता है, ये रिपीट करता है, ये किसी भी प्रोसेस को हम बार बार रिपीट करना चाहें उसके लिए सी प्रोग्रामिंग या सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में काम में लिया जाने वाला एक स्टेटमेंट है, रिपीटेशन स्टेटमेंट है। हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल लेके, तो एक वाहिल का एग्जाम्पल लिया है, वाहिल का जो एग्जाम्पल है उसी को फॉर में कैसे कन्वर्ट करें ये लिखा है। तो वाहिल का जो एग्जाम्पल है वो सिंपल एग्जाम्पल है जो 1 to 10 प्रिंट करता है, हम चाहते हैं वही काम हो लेकिन फॉर लूप से हो, तो इसको 1 by 1 समझें। वाहिल में हम इनिशियलाइज करते हैं काउंटर नाम का कोई वेरिएबल, अनसाइंड वेरिएबल लिया है, उस अनसाइंड इंटीजर लिया उसको हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, उसको 1 लिखा है, उसी को यहाँ पर फॉर लूप जब काम में लेते हैं तो फॉर और उसके पेरेंथिसिस में उसका छोटा, उसके बाद में जो छोटा कोष्ठक स्टार्ट होता है उसमें सबसे पहले उसी स्टेटमेंट को लिख देते हैं, और ये होता है इनिशियलाइजेशन। मतलब फॉर लूप जब फॉर रिपीटेशन स्टेटमेंट या फॉर लूप स्टार्ट करते हैं तो उसके पैरेंथेसिस में जो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखते हैं उसको हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं, उसके बाद में एक सेमी कॉलन लगाते हैं, सेमी कॉलन के बाद में दूसरा स्टेटमेंट लिखते हैं, जो व्हाइल के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा था व्हाइल के पैरेंथेसिस के अंदर उसको दूसरे नंबर पे या फॉर में लिखते हैं, इसको कंडीशन कहते हैं। और व्हाइल की बॉडी के अंदर व्हाइल के ब्लॉक के अंदर जो इंक्रीमेंट लिखा था या इंक्रीमेंट काम में लिया था वो यहाँ फॉर में कंडीशन के बाद में सेमी कॉलन लगा के लिख देते हैं। इस तरह से ये फॉर रिपीटेशन स्टेटमेंट है, ये काउंट कंट्रोल्ड रिपीटेशन की जो भी डिटेल्स है उनको सबको यूज करता है और काम में लेता है। इसमें जो कंट्रोल वेरिएबल है उसको सबसे पहले इनिशियलाइज करते हैं, उस पर कंडीशन लगाते हैं, यदि कंडीशन ट्रू है तो बॉडी में क्या करने को कहा है वो काम करता है और उसके बाद में इंक्रीमेंट करता है, उस वेरिएबल की वैल्यू में इंक्रीमेंट करने के बाद वापस कंडीशन के पास आता है। इस तरह से इसकी प्रोसेस का तरीका रहता है, प्रोसेस नंबर 1 है इनिशियलाइजेशन, प्रोसेस नंबर 2 है कंडीशन चेक, और 3rd है जो भी बॉडी में काम एग्जीक्यूशन के लिए काम दिया वो एग्जीक्यूट करना और उसके बाद में इंक्रीमेंट करना और इंक्रीमेंट के बाद में वापस कंडीशन पे आ जाना। इस तरह से हम देखें तो वाहिल में कंडीशन लिखने का तरीका रहता है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन जिसको मैं एक्सप्रेशन 1 कह रहा हूँ, वाहिल के पैरेंथेसिस के अंदर एक्सप्रेशन 2 जिसको मैं कंडीशन कह रहा हूँ, कंडीशन को मैं एक्सप्रेशन 2 कह रहा हूँ, और बॉडी में जो भी एग्जीक्यूशन के लिए लिखने हैं वो स्टेटमेंट्स जिनको मैं स्टेटमेंट कह रहा हूँ, और बाद में इंक्रीमेंट जिसको मैं एक्सप्रेशन 3 कह रहा हूँ। 4 के अंदर इन्हीं को लिखने का पैटर्न होता है, 4 बाद में एक्सप्रेशन 1 सेमी कॉलन एक्सप्रेशन 2 सेमी कॉलन एक्सप्रेशन 3 और बाद में स्टेटमेंट, मतलब इनिशियलाइजेशन कंडीशन और इंक्रीमेंट तीनों पैरेंथेसिस के अंदर आ जाते हैं। हम एग्जांपल देख लेते हैं, ये 4 स्टेटमेंट का एग्जांपल है, काउंटर को इनिशियलाइज किया, फॉर लूप स्टार्ट किया, पैरेंथेसिस में पहले इनिशियलाइज किया काउंटर इक्वल टू 1 सेमी कॉलन लगाया, बाद में काउंटर पे कंडीशन लगा दी सेमी कॉलन, और बाद में काउंटर की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, उसके बाद में बॉडी में काउंटर को प्रिंट कर दिया। इसको कंपाइल और रन करके देखते हैं, कंपाइल हो गया और रन होने पर सेम आउटपुट दे रहा है, जैसा मतलब ये वैसा ही प्रोग्राम है जैसा वाइल के लिए है, मतलब वाइल और फॉर के दोनों प्रोग्राम एक जैसा ही काम कर रहे हैं। फॉर जो रिपीटेशन स्टेटमेंट है उसके 1 by 1 पार्ट, हर पार्ट को हम देखें तो पहला, सबसे पहले हम FOR लिखते हैं, ये फॉर कीवर्ड है, ये सी प्रोग्रामिंग में जो रिपीटेशन स्टेटमेंट का एक कीवर्ड है जिसको हम FOR से लिखते हैं, बाद में उसका पैरेंथेसिस स्टार्ट होता है, सबसे पहले एक वेरिएबल लिखा है जिसको हम काउंटर वेरिएबल कहते हैं, तो जो काउंटर वेरिएबल नेम है वो यूज करते हैं, उसको इनिशियलाइज करते हैं, इनिशियलाइजेशन के लिए जो भी इनिशियल वैल्यू उसको देनी है वो दे देते हैं, बाद में एक सेपरेटर है
जिसको सेमीकोलन सेपरेटर कहते हैं। ये सेपरेटर कंडीशन और इनिशियलाइजेशन को सेपरेट करता है। इसके बाद में जो कंडीशन है वो लूप कंटिन्यूशन की जो कंडीशन है वो लिख देते हैं। यहाँ पर हमने जैसे काउंटर लेस देन इक्वल टू 10 लिख किया, वो 10 उसकी वो फाइनल वैल्यू है कंट्रोल काउंटर की या कंट्रोल वेरिएबल की, जो जिसके लिए ये जब तक ट्रू होगा तब तक लूप चलेगा। उसके बाद हम फिर से सेमीकोलन सेपरेटर लगा दिया। ये सेमीकोलन कंडीशन और इंक्रीमेंट को सेपरेट करता है। और उसके बाद में हम इंक्रीमेंट कंट्रोल वेरिएबल लिख दिया। ये फॉर का जनरल फॉर्म है। तो इस तरह से फॉर स्टेटमेंट का जनरल फॉर्म होता है एक्सप्रेशन 1 सेमीकोलन, एक्सप्रेशन 2 सेमीकोलन, एक्सप्रेशन 3 और बाद में स्टेटमेंट्स। इसमें एक्सप्रेशन 1 है वो इनिशियलाइजेशन है, एक्सप्रेशन 2 कंडीशन है, एक्सप्रेशन 3 इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है। एक्सप्रेशन 1 जो है ये इनिशियलाइजेशन है। कई बार हमें एक से ज़्यादा इनिशियलाइजेशन करने हैं तो क्या वो हम कर सकते हैं? एक्सप्रेशन 2 कंडीशन है, क्या एक से ज़्यादा कंडीशन से एक साथ लगा सकते हैं? एक्सप्रेशन 3 इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, तो क्या एक से ज़्यादा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट एक साथ कर सकते हैं? तो तीनों के ही आंसर हैं हाँ हम कर सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले हम देखें कंडीशन। तो कंडीशन के लिए एक से ज़्यादा कंडीशंस हैं तो हम उनको एंड या लॉजिकल और इन स्टेटमेंट से ऐड करके कितनी भी कंडीशंस की एक कंडीशन बना सकते हैं। तो वो लिखना बहुत आसान है। बाद में हम देखें एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 3। तो एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 3 हैं वो कोमा सेपरेटेड लिस्ट के रूप में लिख सकते हैं। मतलब एक्सप्रेशन 1 की जगह हम एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, लेकिन उनको सेमीकोलन से सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि सेमीकोलन से सेपरेट होते ही नेक्स्ट कंडीशन कंडीशन ना हो रहा है कि वो एक्सप्रेशन बन जाएगा, एक्सप्रेशन 2 बन जाएगा, मतलब कंडीशन हो जाएगा, वो इनिशियलाइजेशन ना रह के कंडीशन बन जाएगा। इसलिए सेमीकोलन की बजाय उन्हें कोमा से सेपरेट करते हैं। इसी तरह से एक्सप्रेशन 3 है, उसमें भी हम एक से ज़्यादा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लिख सकते हैं, सबको कोमा से सेपरेट कर देंगे। मतलब एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 3 सिंपल एक्सप्रेशंस ना होके ये कलेक्शन ऑफ एक्सप्रेशंस हो सकता है, और जितने भी एक्सप्रेशंस हैं सबको कोमा सेपरेटेड एक्सप्रेशंस के रूप में लिखना पड़ेगा। हम एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। तो एक एग्जांपल लिया है जिसमें सम को इनिशियलाइज किया 0 से, नंबर डिक्लेयर किया, नंबर को लूप के अंदर 2 से इनिशियलाइज किया है, नंबर लेस देन इक्वल टू 100 की कंडीशन लगाई है, नंबर में 2 इंक्रीज कर रहे हैं, बाद में सम इक्वल टू सम प्लस नंबर लिख दिया, मतलब सम की वैल्यू को हम इंक्रीज कर रहे हैं, 2 सम में नंबर को ऐड कर रहे हैं और लास्ट में सम को प्रिंट कर रहे हैं। मतलब सम है वो 2 से लेकर 100 तक की संख्याओं का सम, इवन संख्याओं का समेशन है। मतलब जो सम संख्याएं हैं 2 से 100 तक की, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, उनका समेशन है, उनका एडिशन है, उनका टोटल है। हम आगे देखें तो अब इसको हम कैसे चेंज करें। तो इसको चेंज करने के लिए हम इसको एक बार अलग से लिख लेते हैं। ये फॉर लूप है, इसको अलग से लिख लिया। उसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखा है सम प्लस इक्वल टू नंबर, ये इंक्रीमेंट है एक तरह का, तो इसको हम यहाँ लूप में ये सेकंड को सेमीकोलन सेपरेटर उसके बाद में लिख सकते हैं। और ये लिखते ही ये लूप इस तरह से बन जाता है, सेमीकोलन है, इसको यहाँ लगा देते हैं। अब ये स्टेटमेंट बन गया, इस स्टेटमेंट को पुराने स्टेटमेंट की जगह लिख देते हैं। यदि ऐसा लिखते हैं तो ये प्रोग्राम वही काम करेगा जो पहले वाला प्रोग्राम कर रहा था। यहाँ पर ये हमने एक एक्सप्रेशन में कोमा सेपरेशन काम में लिया है, मतलब ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर दोनों ही इंक्रीमेंट स्टेटमेंट्स हैं जिनको कोमा से हमने सेपरेट कर दिया है। ये जो कोमा सेपरेटेड एक्सप्रेशंस हैं ये लेफ्ट टू राइट वर्क करते हैं, मतलब सबसे पहले लेफ्ट वाले का इवोल्यूशन होगा उसके बाद में राइट वाले का, मतलब सबसे पहले जो गणना होगी वो लेफ्ट वाले की होगी उसके बाद में राइट वाले की। मतलब सम जो है उसमें पहले नंबर की वैल्यू ऐड होगी उसके बाद में नंबर की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा। इस तरह से जो इंक्रीमेंट एक्सप्रेशंस हैं वो स्टैंडअलोन सी स्टेटमेंट की तरह काम करते हैं एक फोर की बॉडी में, मतलब सब अलग अलग तरह ऐसे अपना बिहेवियर रखते हैं। इसके अलावा सी प्रोग्रामिंग में जो फोर स्टेटमेंट है इसमें इनिशियलाइजेशन कंडीशन और इंक्रीमेंट के जो एक्सप्रेशंस हैं ये कम्प्लीटली ऑप्शनल हैं। मतलब
इन ये हम लिखें या ना लिखें कोई खास फर्क नहीं पड़ता, इनको हम हटा भी सकते हैं, बिना लिखे भी काम चला सकते हैं। जैसे हम एक्सप्रेशन वन को यदि नहीं लिखते हैं तो इनिशियलाइजेशन नहीं होगा, हमें यदि कुछ इनिशियलाइजेशन नहीं करना है तो हम ये लिखे बिना काम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम इनिशियलाइजेशन बाहर कर सकते हैं, जैसे सम इक्वल टू 0 किया, यहाँ नंबर इक्वल टू 2 कर देते और इस एक्सप्रेशन को लिखे बिना काम निकाल लेते, तो भी बात वही थी। इसी तरह से सेकंड जो कंडीशन है, वो भी हम बिना लिखे काम चला सकते हैं। यदि वो हम नहीं लिखते हैं उसको, हटा देते हैं कंडीशन को, तो वो कंडीशन हमेशा ट्रू मानी जाएगी, मतलब लूप इनफाइनाइट टाइम्स चलता रहेगा। इसके बाद में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, यदि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हम बॉडी में कर दें या कहीं और कंडीशन लगा, कहीं और से ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो रहा हो, तो हमें यहाँ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। यदि हम इन कंडीशन, इनिशियलाइजेशन कंडीशन और इंक्रीमेंट को ओमिट करते हैं, इनको छुपा लेते हैं, तो उस कंडीशन में भी यहाँ सेमी कॉलन सेपरेटर्स हमें लगाने पड़ेंगे, क्योंकि उनसे ही डिसाइड होगा कि एक्सप्रेशन कंप्लीट है या नहीं, स्टेटमेंट कंप्लीट है या नहीं है। ये पहला सेमी कॉलन मिलने का मतलब है उसे इनिशियलाइजेशन मिल चुका है, सेकंड सेमी कॉलन मिलने का मतलब उसे कंडीशन और इंक्रीमेंट मिल चुका है। हम करके देखते हैं एक प्रोग्राम में। ये फोर स्टेटमेंट है जो इनिशियली हमने काम में लिया है। सम इक्वल टू 0 किया, नंबर को डिक्लेयर किया, फोर नंबर इक्वल टू 2, नंबर पे कंडीशन लगा दी, नंबर प्लस इक्वल टू 2, सम प्लस इक्वल टू नंबर, बाद में सम को प्रिंट कर दिया। रन और कंपाइल और रन करके देखते हैं, कंपाइल हो गया, रन टोटल आ रहा है 2550। हम फिर से इस एग्जाम्पल को एडिट करते हैं, तो हम यहाँ पर ये जो कंडीशन है ये लिख देते हैं और बाद में कॉमा सेपरेटर लगा देते हैं, यहाँ से इस कंडीशन को हटा देते हैं और ये सेमी कोलन यहाँ लगा देते हैं। अब इसको सेव करते हैं, कंपाइल और रन करते हैं। कंपाइल किया, रन किया, आउटपुट सेम है, कोई चेंज नहीं आया है। ये लेफ्ट टू राइट हो रहा है या राइट टू लेफ्ट, ये चेक करने के लिए हम जो ये कंडीशन है नंबर प्लस इक्वल टू 2, इसको पहले लिख देते हैं। नंबर प्लस इक्वल टू 2, बाद में कोमा लगा देते हैं। यदि ऐसा करते हैं तो क्या होता है, कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, यहाँ ये आंसर चेंज हो गया, उत्तर बदल गया है, 2550 की बजाय 2650 हो गया है, मतलब 100 का डिफरेंस आ रहा है। 100 का डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो 100 का डिफरेंस इसलिए आ रहा है, अब पहले नंबर में 2 ऐड कर रहा है और सम की वैल्यू में बाद में चेंज कर रहा है, मतलब पहले नंबर इक्वल टू 2 है, कंडीशन यस कह रही है, नंबर की वैल्यू 4 कर रहा है और उसके बाद में सम में 4 ऐड कर रहा है, मतलब सम की वैल्यू पहले 2 से स्टार्ट होनी चाहिए थी जो 4 से स्टार्ट हो रही है, और लास्ट में नंबर इक्वल टू जब 100 है, कंडीशन यस ट्रू हो रही है, उसमें नंबर की वैल्यू 102 कर रहा है और सम में 102 ऐड हो रहा है। इस तरह से सम में से 2 कम ऐड हो रहा है और 102 एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, मतलब टोटल 100 का डिफरेंस आ रहा है जो हमें आंसर में देखने को मिल रहा है, इसलिए ये लिखना गलत है। हम इसको फिर से पुराने पैटर्न पे लिखते हैं, सम प्लस इक्वल टू नंबर से कॉमा और बाद में यहाँ से हटा देते हैं। इसके अलावा ये इनिशियलाइजेशन है सम इक्वल टू 0 का, ये भी यहाँ करके देखते हैं, कॉमा सम इक्वल टू 0 और चेक करते हैं, यहाँ ये सही आंसर दे रहा है, इसका मतलब है हम यहाँ पर ये इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। इसके अलावा हम तीसरी कंडीशन चेक करते हैं जिसमें इन सब को ओमिट कर दिया, तो सम इक्वल टू 0 यहाँ कर देते हैं, नंबर इक्वल टू 2 यहाँ लिख देते हैं, यहाँ से दोनों को हटा देते हैं,
बाद में प्रोग्राम की बॉडी स्टार्ट करते हैं। और यहाँ लिख देते हैं सम इक्वल टू सम प्लस नंबर और नंबर प्लस इक्वल टू टू, और इनको यहाँ से हटा देते हैं। अब चेक करते हैं, प्रोग्राम कंपाइल हो गया है बिना किसी प्रॉब्लम के, रन हो रहा है, सही रिजल्ट दे रहा है। हम कंडीशन भी चेक कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन को अभी चेक नहीं करेंगे, कंडीशन को बाद में चेक करेंगे। फोर स्टेटमेंट नोट्स एंड ऑब्जर्वेशन, तो एक फोर स्टेटमेंट है, उसमें और क्या क्या हम करते हैं उनको समझते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम, जो ट्राइंगल्स प्रिंट करें। तो ऐसा एग्जांपल लेने के लिए मैं ट्राइंगल टू डायमेंशनल क्वांटिटी है, इसलिए हमें दो बार लूप चलाना पड़ेगा। हम एक बार चला के भी कर सकते हैं, लेकिन हम दो बार लूप चलाते हैं। और उस लूप में क्या करते हैं, एक आई ओवर आई है, दूसरा ओवर जे है, और तीसरा भी ओवर जे है। पहला लूप है आई इक्वल टू जीरो टू एन, दूसरा लूप उसके अंदर है पहले लूप के, जो जे इक्वल टू जीरो से जे लेस देन आई तक चलता है, और तीसरा लूप भी आई वाले लूप के अंदर है, और उसमें जे इक्वल टू जीरो से वो जे इक्वल टू टू टाइम्स एन माइनस आई माइनस वन तक चलता है। यहाँ इसका आउटपुट एक इस तरह का ट्राइंगल होगा, स्टार से बना ट्राइंगल है, जिसमें मिडल में, जैसे हमने यहाँ इनपुट में सेवन दिया, तो मिडल में फर्स्ट रो में 13 स्टार्स हैं और टोटल सेवन रोज हैं। मतलब पहली लाइन पंक्ति में 13 स्टार हैं और कुल 7 पंक्तियाँ हैं। अब हम इसमें देखें तो यहाँ पर कुछ समझने लायक चीज़ें ये हैं कि एक तो जो कंडीशन है व्हाइल स्टेटमेंट की, जो कंडीशन है लूप कंटिन्यूएशन कंडीशन, उसमें हम एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन दे सकते हैं। यहाँ ज़रूरी नहीं है कि हम एक नंबर ही दें, जैसे इस ऊपर वाले लूप में आई लेस देन एन लिखा है या जे लेस देन आई लिखा है, उस तरह से हम एक नंबर लें ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम एक पूरी एक्सप्रेशन भी कंडीशन के रूप में लिख सकते हैं। इसी तरह से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो हैं और इनिशियलाइजेशन जो है, उनमें भी हम पूरी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं यदि ज़रूरत पड़ती है तो। आगे कुछ एग्जांपल्स में हम ऐसा करेंगे भी। इसी तरह से जो इंक्रीमेंट है, यहाँ पर इंक्रीमेंट हमें ज़रूरत थी उसके अनुसार हमने प्लस प्लस लिया, मतलब एक एक इंक्रीज कर रहा है। ज़रूरत पड़ने पर यहाँ हम माइनस माइनस भी ले सकते हैं, वो हमें किस तरह का अपना प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग ज़रूरत पड़ती है, उसके हिसाब से हम माइनस माइनस भी ले सकते हैं। यदि कोई कंडीशन इनिशियली फॉल्स होती है, सत्य नहीं होती, जैसे ये कंडीशन है, ये फर्स्ट टाइम सत्य नहीं है, ट्रू नहीं है, तो उस कंडीशन में ये लूप स्किप हो जाएगा और आगे वाला लूप, आगे जो भी स्टेटमेंट है वो काम करना स्टार्ट कर देंगे। इनिशियली क्योंकि आई की वैल्यू जीरो है और अपनी लूप जे पर जो लूप स्टार्ट हो रहा है वो जे इक्वल टू जीरो से जे लेस देन आई के लिए स्टार्ट हो रहा है। जे लेस देन आई, जे भी जीरो है, आई भी जीरो है, मतलब दोनों ये कंडीशन असत्य हो गई, फॉल्स हो गई, और इस तरह से ये पहली बार में ये लूप नहीं चलेगा। हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये दो एग्जाम्पल साथ में आ गए तो दोनों को अलग कर लेते हैं। ये एक एग्जाम्पल है जिसमें एन एक नंबर रीड कर रहे हैं, फिर एक लूप चल रहा है आई पर आई लेस देन एन के लिए, दूसरा लूप आई लेस देन जे लेस देन एन माइनस आई तक के लिए, मतलब और वो स्टार प्रिंट कर रहा है, मतलब आई की वैल्यू जीरो है तो ये एन स्टार प्रिंट करेगा, फिर पुट्स मतलब न्यू लाइन में चला जाएगा, फिर आई की वैल्यू वन होगी तो ये एन माइनस वन, एन की जो भी वैल्यू देंगे उससे एक कम स्टार प्रिंट होगा। इस तरह से ऊपर वाली रो में एन स्टार प्रिंट होंगे, बाद में एन माइनस वन, एन माइनस टू एंड सो ऑन, लास्ट रो में एक स्टार प्रिंट होगा। कंपाइल रन करके देखते हैं।
कंपाइल हो रहा है, रन करने पर साइज देने का है, सिक्स देने पर ये, हाँ पहले रो में सिक्स स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं, दूसरे में फाइव, तीसरे में फोर, चौथे में थ्री, पांचवे में टू और छठे रो में एक स्टार प्रिंट हो रहा है। हम दोबारा रन करके टेन देकर देखें तो यहाँ भी पहले रो में टेन स्टार प्रिंट हो रहे हैं, थ्री थ्री सिक्स प्लस फोर टेन, दूसरे रो में नाइन स्टार हैं, तीसरे रो में एट स्टार हैं, चौथे रो में सेवन स्टार्स हैं, पांचवे रो में सिक्स स्टार हैं, छठे रो में फाइव स्टार हैं, सातवें रो में फोर स्टार, आठवें रो में थ्री स्टार, नौवें रो में टू स्टार्स और टेंथ रो में कोई एक स्टार है। हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर भी एन को रीड किया गया और जो प्रोग्राम हम देख रहे थे आई इक्वल टू जीरो टू एन चल रहा है। फिर पहला लूप है जो जे इक्वल जे लेस देन आई तक के लिए स्पेस प्रिंट करता है, सिंगल स्पेस मतलब आई की जितनी वैल्यू होगी उतनी ही स्पेस प्रिंट करेगा। और उसके बाद दूसरा लूप है जो स्टार प्रिंट करता है, जो एन और आई की जो वैल्यू होंगी उनके डिफरेंस के डबल से एक कम स्टार प्रिंट करेगा। इसका आउटपुट देख लेते हैं, कंपाइल हो गया, रन यहाँ टेन इनपुट में दिया, एग्जैक्टली वैसा ही जैसा वहाँ पर आउटपुट में दिखाया गया था वैसे स्टार प्रिंट हो रहे हैं। हम दोबारा रन करके देखते हैं, यहाँ पर वैल्यू सेवन देते हैं तो थोड़ा छोटा ट्राइंगल आ गया है, एग्जैक्टली वैसा ही ट्राइंगल हमें आउटपुट में देखने को मिल रहा है। कुछ एग्जांपल्स जो फॉर स्टेटमेंट को यूज करते हैं, तो हमें जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, हमें चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी है। एक क्वेश्चन है जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट है, मूलधन है, वो 1000 रुपये है, ब्याज की दर रेट 0.05 है, मतलब 5% है, तो उसका एक साल से लेकर 10 साल तक कितना चक्रवृद्धि ब्याज से कुल राशि कितनी बनेगी वो कैलकुलेट करनी है। उसके लिए फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल अमाउंट टाइम्स 1 + रेट / ईयर। तो ये फॉर्मूला यहाँ एक लूप ईयर पे लगाया, ईयर इक्वल टू 1, ईयर लेस देन इक्वल टू 10, ये इंक्रीमेंट कर दिया, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल टाइम्स POW 1 + रेट / ईयर और बाद में उसको प्रिंट कर दिया। इसका हम आउटपुट देखें तो ये आउटपुट आता है ईयर के नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और कॉरेस्पॉन्डिंग टोटल अमाउंट कितनी बनती है वो प्रिंट हो रही है। यहाँ पर POW क्या है, तो POW एक फंक्शन है जो x raised to the y power को रिप्रेजेंट करता है। मतलब POW में हम x, y लिखते हैं, इसका मतलब होता है x की पावर y। यहाँ पर अपने फंक्शन में हम 1 + rate / y लिख रहे हैं, इसलिए 1 + rate, y लिख दिया, इसलिए POW फंक्शन है वो 1 + rate / y को कैलकुलेट कर देगा। ये जो फंक्शन है ये इनपुट के रूप में डबल प्रिसीजन वेरिएबल्स को इनपुट में लेता है और रिटर्न भी डबल करता है। मतलब हमने जहाँ इस फंक्शन को काम में लिया वहाँ एक डबल वैल्यू होगी और ये जो इनपुट है ये दोनों भी डबल वेरिएबल होंगे। डबल कुछ नहीं होता, एक फ्लोट जहाँ जैसे हम काम में लेते हैं वैसा रियल नंबर होता है, बस उसका प्रिसीजन ज़्यादा होता है, उसकी रेंज ज़्यादा होती है। फ्लोट में हम 10^38 तक ही कैलकुलेट कर पाएंगे, इसमें 10^200 तक भी हम कैलकुलेट कर सकेंगे, तो इसमें कैलकुलेशन की परास बढ़ जाएगी, कैलकुलेशन की सीमा बढ़ जाएगी, हम बड़ी सीमा तक कैलकुलेट कर सकते हैं। POW जो फंक्शन है वो मैथ लाइब्रेरी का फंक्शन है, इसलिए जब भी आप POW काम में लो तो आपको यहाँ पर इंक्लूड math.hb करना है, मैथ लाइब्रेरी इंक्लूड करनी है। यहाँ पर प्रिंट करते समय फोर यू प्रिंट किया है, कन्वर्जन स्पेसिफायर में परसेंटेज फोर यू और एंड परसेंटेज 21.2f लिखे हैं। परसेंटेज फोर यू का मतलब एक अनसाइंड इंटीजर है जिसको फोर डिजिट्स में प्रिंट करना है, फोर स्पेसेज में प्रिंट करना है, और 21.2f में 21 का मतलब एक f का मतलब एक फ्लोट नंबर, रियल नंबर है जिसको 21 डिजिट्स 21 स्पेसेज में प्रिंट करना है,
और पॉइंट टू मतलब उसमें दशमलव के बाद में दो डिजिट आनी चाहिए। हम यहाँ फोर यू की जगह यदि माइनस फोर यू लिख देते हैं तो जो आउटपुट आ रहा है वो लेफ्ट साइड में आएगा, लेफ्ट अलाइंड आएगा, लेफ्ट जस्टिफाइड आएगा। मतलब पहले हमने एग्जांपल में देखा यहाँ 1 2 3 4 5 ये राइट अलाइंड आ रहे थे, राइट साइड से अलाइंड, इस बार ये लेफ्ट साइड में अलाइंड आ रहे हैं तो लेफ्ट जस्टिफाई करने के लिए परसेंटेज और कन्वर्जन स्पेसिफायर में परसेंटेज जस्ट बाद में हम माइनस लगा देते हैं। हम ये एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये जैसा प्रोग्राम दिखाया था वैसा प्रोग्राम है। ईयर इक्वल टू 1, ईयर लेस देन 10, प्लस प्लस ईयर के लिए फॉर लूप स्टार्ट किया है, बाद में अमाउंट को कैलकुलेट किया है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल टाइम्स 1 प्लस रेट टू द पावर ईयर, यूजिंग पावर फंक्शन काम में लिया है, कॉरस्पॉन्डिंग मैथ लाइब्रेरी इंक्लूड कर दिया है और प्रिंट स्टेटमेंट में परसेंटेज फॉर यू ईयर के लिए कन्वर्जन स्पेसिफायर है, परसेंटेज 21.2f अमाउंट के लिए कन्वर्जन स्पेसिफायर है। इस तरह से ये प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया है। कंपाइल और रन करके देखें। तो यहाँ कंपाइल करने के लिए हमें माइनस lm लगाना पड़ेगा, जब मैथ लाइब्रेरी इंक्लूड करते हैं तो माइनस lm लगाना पड़ता है। ये आउटपुट एग्जैक्टली जैसा हम कर रहे थे वैसा आउटपुट आ गया है। हम एक चेंज और करके देख लेते हैं, यहाँ माइनस लगा कर देख लेते हैं आउटपुट में क्या चेंज आता है। तो पहले अपना आउटपुट था ये, जिसमें ये ईयर जो है 1 2 3 ये सारे राइट अलाइंड है, राइट साइड में अलाइंड है। अब हम फिर से कंपाइल करके रन करते हैं तो ये लेफ्ट अलाइंड आते हैं और कोई डिफरेंस नहीं आता, इनका अलाइनमेंट लेफ्ट में हो गया। स्विच मल्टीपल सिलेक्शन स्टेटमेंट, अब हम बात करते हैं एक स्विच स्टेटमेंट किस तरह से काम करता है, मल्टीपल सिलेक्शन स्टेटमेंट किस तरह से काम करता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल कैलकुलेटर का। नॉर्मली हमें दो नंबर्स की कैलकुलेशन करनी है, एक बाइनरी ऑपरेशन करना है, मतलब दो नंबर्स को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है या उनका रिमाइंडर देखना है दो इंटीजर्स का। तो किस तरह से देखिए, मतलब हम जब कैलकुलेटर में ये काम करते हैं तो हम 2 + 3 बाद में इक्वल का साइन दबा देते हैं, इसी तरह से यहाँ पर भी 2 + 3 एंटर दबाते ही उनका एडिशन आ जाए, 2 - 3 एंटर दबाते ही उनका डिफरेंस आ जाए, 2 * 3 दबाते ही उनका मल्टीप्लिकेशन आ जाए। इस तरह का एक कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं। इस तरह कैलकुलेटर में महत्वपूर्ण ये होगा कि जब हम एक करेक्टर दे रहे हैं तो उस करेक्टर से डिसाइड हो कि वो उसे क्या ऑपरेशन करना है। तो हमने यहाँ पर एक स्कैनफ स्टेटमेंट लिखा है जिसमें एक परसेंटेज डी, परसेंटेज सी, परसेंटेज डी कन्वर्जन स्पेसिफायर दिए हैं। परसेंटेज डी मतलब एक डेसिमल इंटीजर, परसेंटेज सी मतलब एक करेक्टर और बाद में परसेंटेज डी मतलब एक डेसिमल इंटीजर इनपुट में। पहला परसेंटेज डी है उसके लिए नम 1 है, दूसरे परसेंटेज सी के लिए एक करेक्टर सी एच है और दूसरे परसेंटेज डी के लिए नंबर नम 2 है। ये स्कैन ऐप में लिखे हैं, मतलब ये तीनों रीड होंगे। मतलब हम 2 + 3 यदि लिखेंगे तो 2 नम 1 में स्टोर होगा, प्लस का साइन है वो सी एच में और 3 है वो नम 2 में स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से हम स्विच के, अब स्विच स्टेटमेंट समझें उससे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं कि किस तरह का ये काम करता है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक क्लासरूम में एक टीचर अटेंडेंस ले रहा है तो टीचर अटेंडेंस में रोल नंबर वाइज स्टूडेंट्स को पुकारता है, टीचर 1 2 3 4 इस तरह से रोल नंबर बोलता है, कॉरेस्पॉन्डिंग स्टूडेंट्स हैं वो अपनी अटेंडेंस प्रेजेंट या अपने प्रेजेंट्स बताते हैं। तो यहाँ पर 1 मतलब जिस स्टूडेंट का रोल नंबर 1 है वो एक्शन में आएगा, जब जो अटेंडेंस ले रहा है वो 10 बोलता है तो जिस स्टूडेंट का है, जिस कैंडिडेट का रोल नंबर 10 है वो एक्शन में आएगा। इस तरह से ये मल्टीपल सिलेक्शन स्टेटमेंट है, मतलब कोई भी नंबर बोला जाता है उसके अकॉर्डिंग
डिसीजन होता है। इस तरह से ये नंबर से जो कनेक्शन वाला डिसीजन है ये हम लेते हैं, इसको मल्टीपल सिलेक्शन बोलते हैं। इसी तरह से हम कैलकुलेटर का एग्जांपल ले रहे हैं, वहाँ पर भी प्लस माइनस स्टार स्लेस परसेंटेज ये कुछ करेक्टर्स लिए हैं, इनमें से एक करेक्टर इनपुट में होगा और उसके अकॉर्डिंग इसको डिसीजन लेना है। तो ये हम स्विच केस स्टेटमेंट ले रहे हैं। यदि हमने जो स्टेटमेंट्स लिए हैं, जैसे एक क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं और उसमें 40 बोला जाता है, तो कोई भी कैंडिडेट वहाँ पर यस नहीं कहेगा, कोई भी कैंडिडेट एक्शन में नहीं आएगा और डिफ़ॉल्ट एक्शन उसका होगा कि नो स्टूडेंट एग्जिस्ट विद दिस रोल नंबर। तो इसी तरह से यहाँ पर भी एक डिफ़ॉल्ट हम लिखते हैं। तो डिफ़ॉल्ट वो केस है जिसमें कोई भी जो इनपुट दिया गया वो किसी से भी मैच नहीं कर रहा है, वो किसी के लिए भी उपयुक्त तो नहीं है, तो डिफ़ॉल्ट में जो लिखा है वो एक्शन होगा। यहाँ ये कैलकुलेटर है, इसमें करेक्टर के रूप में प्लस माइनस स्टार स्लेस और परसेंटेज ये केसेस हैं जो मैच करेंगे, वो यदि इनपुट में होंगे तो कुछ एक्शन होगा, वो नहीं होंगे तो डिफ़ॉल्ट में जाएगा, डिफ़ॉल्ट में इसको जो करने को कहा है वो एक्शन होगा। तो ये मैच करेगा कि कौन सा करेक्टर यहाँ मैचिंग वाला मिल रहा है, ये लेबल्स के रूप में हमने लगाए हैं। स्कैनएप में परसेंटेज सी जो कन्वर्जन स्पेसिफायर है ये स्पेसिफाई करता है कि हमें यहाँ एक करेक्टर रीड करना है। इसके अलावा हमने एक यहाँ असाइनमेंट ऑपरेटर काम में लिया है, टोटल इक्वल टू नम वन प्लस नम टू। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर नॉर्मल सी प्रोग्रामिंग में जैसे असाइनमेंट काम करता है उसी तरह से काम करेगा, नम वन प्लस नम टू की वैल्यू टोटल को असाइन कर देगा। ये यहाँ पर हम मल्टीपल असाइनमेंट भी लिख सकते थे, जैसे ए प्लस इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब सबसे पहले सी को ये जीरो असाइन करता, फिर बी को जो सी की वैल्यू वो असाइन कर देता, उसके बाद में ए को बी की जो जीरो वैल्यू हो चुकी है वो असाइन कर देता। हम एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। ये है प्रोग्राम जिसमें स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी इंक्लूड किया है, मेन फंक्शन स्टार्ट होता है, उसमें नम वन नम टू और टोटल डिक्लेरेशन एज इंटीजर करते हैं, करेक्टर सी एच का डिक्लेरेशन एज ए करेक्टर करते हैं, बाद में नम वन करेक्टर एंड नम टू को रीड करते हैं, बाद में स्विच में इनपुट के रूप में एक करेक्टर लिख देते हैं जो करेक्टर रीड किया उसको। केस यदि सी एच प्लस है तो ये टोटल इक्वल टू नम वन प्लस नम टू कर देगा, केस इक्वल टू यदि माइनस है तो टोटल इक्वल टू नम वन माइनस नम टू कर देगा, केस इक्वल टू यदि स्टार है तो नम टोटल इक्वल टू नम वन स्टार नम टू कर देगा, केस यदि स्लेस है तो टोटल इक्वल टू नम वन स्लेस नम टू कर देगा, केस यदि परसेंटेज है तो टोटल इक्वल टू नम वन परसेंटेज नम टू हो जाएगा। सबके बाद में यहाँ ब्रेक स्टेटमेंट ब्रेक भी लिखा है और डिफॉल्ट है तो यहाँ एक स्ट्रिंग प्रिंट होगी जिसमें ऑपरेशन इज नॉट डिफाइंड इन दिस स्कोप प्रिंट हो जाएगा एंड रिटर्न जीरो प्रोग्राम का एंड हो जाएगा। यदि ये डिफॉल्ट में नहीं आता है तो स्विच के बाद में हमने टोटल को प्रिंट कर दिया है। रन करके देखते हैं कंपाइल हो गया, रन किया, एक्सप्रेशन देने को कह रहा है, 2+3 दिया तो 5 पिन आउटपुट में आ गया, 12 है माइनस 3 देते हैं तो 9 सही आउटपुट आ रहा है, 12 है स्टार 3 देते हैं तो भी सही आउटपुट आ रहा है, 20/3 देते हैं तो 6 टाइम्स भाग जाता है और रिमाइंडर 2 रह जाता है, 20% 2 करते हैं, 20% 3 करते हैं तो आउटपुट 2 आ जाता है। इसके अलावा हम और कुछ इनपुट लेके देखें, जैसे 2R4 लिख दिया, तो यहाँ R कोई ऑपरेशन हमने नहीं दिया था इसलिए यहाँ जो ही R लिखा तो ये डिफ़ॉल्ट वाला केस जो था ऑपरेशन इज नॉट डिफाइंड इन दिस स्कोप प्रिंट हो गया। यहाँ पर हम 2^3/4 ये करते हैं, ऐसा हमने कोई ऑपरेटर डिफाइन नहीं किया है यहाँ प्रोग्राम में इसलिए ये ऑपरेशन इज नॉट डिफाइंड दिस स्कोप प्रिंट कर रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी तरह का काउंटर कंट्रोल्ड, तो इसमें कुछ ए काउंट बी काउंट सी काउंट डी काउंट ई काउंट एफ काउंट नाम से वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया है, इनिशियलाइज कर दिया है 0 से और एक इंटीजर ग्रेड डिक्लेयर किया है,
और उस पे कंडीशन लगा दिया है, एक करेक्टर रीड कर रहे हैं और उस करेक्टर की जो भी वैल्यू, यहाँ गेट सी एच आर एक डिफॉल्ट फंक्शन है, उसमें जो भी वैल्यू रीड कर रहे हैं वो ग्रेड को असाइन होगी, और उस पे कंडीशन लगा दी है ई ओ एफ मतलब एंड ऑफ फाइल कंडीशन। यहाँ पर लिनक्स में इसके लिए कंट्रोल डी दबाएंगे, विंडोज़ में कंट्रोल जेड, वहाँ पर इसका एंड हो जाएगा कंडीशन का, और उसमें बाद में स्विच स्टेटमेंट, मल्टीपल सिलेक्शन स्विच स्टेटमेंट काम में लिया। यहाँ व्हाइल रिपीटेशन स्टेटमेंट है, मतलब ये कंडीशन रिपीट होगी। इसमें गेट सी एच आर है, एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है जो एक करेक्टर को रीड करता है एंड रिटर्न करता है। रिटर्न मतलब यहाँ पर हमने ग्रेड इक्वल टू गेट सी एच आर लिखा है, मतलब जो भी इसने वैल्यू रीड किया वो ग्रेड को असाइन कर देगा। इसके बाद इसके अलावा जो करेक्टर हम रीड करते हैं, सी प्रोग्रामिंग, सी और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में कोई भी करेक्टर है उसको नॉर्मली इंटीजर डाटा टाइप के रूप में ही ये काम में लेता है। इंटीजर नॉर्मली 4 बाइट्स में स्टोर होता है, और जो करेक्टर टाइप का इंटीजर है वो 1 बाइट में स्टोर हो जाता है, मतलब मेमोरी इसको कम चाहिए, कम मेमोरी में स्टोर हो जाता है, लेकिन ये ऑलमोस्ट इंटीजर टाइप का ही होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ लोअर केस ए की बात की, तो लोअर केस ए जो है वो 97 इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब 97 जो इंटीजर है उसको मैं एज ए करेक्टर प्रिंट करूँ तो लोअर केस ए प्रिंट होगा, और ए जो करेक्टर ए है उसको एज ए इंटीजर प्रिंट करूँ तो वो 97 प्रिंट होगा। इनको हम कहते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जो भी कीबोर्ड पे अपने जो डिजिट्स हैं वो सभी डिजिट्स, जो भी करेक्टर्स हैं वो सारे करेक्टर्स, एक को जो कहा जाता है वो है आस्की करेक्टर्स। आस्की की फुल फॉर्म ASCII की फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, मतलब कीबोर्ड पे नॉर्मली जो करेक्टर्स आपको मिलते हैं उनको आस्की करेक्टर कहा जाता है, यूँ हम समझ सकते हैं। UOF जो है वो सेंटिनल वैल्यू है, इसको एंड ऑफ फाइल भी कहते हैं। ये डिनोट करता है कि अब आपने एंट्री देना, डाटा एंटर करना बंद कर दिया है। जो UOF है वो stdio.h के अंदर उसकी जो सिम डेफिनेशन है वो इसके अंदर होती है। लिनक्स यूज करने के लिए UOF करेक्टर कंट्रोल की के साथ डी प्रेस करें, उसको ये एंड ऑफ करेक्टर मानता है, UOF करेक्टर मानता है, मतलब एंड ऑफ फाइल वाला करेक्टर मानता है। और यदि आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम काम में ले रहे हैं तो विंडोज़ का जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का जो सी कंपाइलर है वो कंट्रोल जेड को एंड ऑफ फाइल मानता है। स्विच जो है उसके अंदर इनपुट के रूप में हमने ये जो वेरिएबल ग्रेड है वो दे दिया है, मतलब स्विच का जो पेरेंथिसिस है उसके अंदर उस कंट्रोल वेरिएबल की का नाम लिख देते हैं, कंट्रोल वेरिएबल का जो भी आइडेंटिफायर नेम है वो लिख देते हैं। उसको बाद में मैच करवाते हैं, तो कोई भी एक केस, ये सबसे पहले केस मैच करेगा, मतलब जो ग्रेड की वैल्यू है वो किसी केस के सामने लिखी वैल्यू से मैच करेगा। यदि वो ही ग्रेड की वैल्यू है तो यहाँ उसके बाद में जो भी एक्शन दिए हैं वो ये करेगा, और सारे जो केसेस हैं उनको इग्नोर करेगा। लेकिन यदि कोई केस मैच नहीं करता तो नेक्स्ट केस को मैच करेगा, वो केस मैच नहीं करता तो उससे नेक्स्ट केस को मैच करेगा। इस तरह से यहाँ पर सबसे पहले ग्रेड की वैल्यू को ए अपर केस ए से कंपेयर करेगा, बाद में लोअर केस ए से, यदि ये दोनों ही मैच नहीं होते हैं तो अपर केस बी से मैच करेगा, फिर लोअर केस बी से, ये भी मैच नहीं होते हैं अपर केस सी लोअर केस सी एंड सो ऑन मैच करेगा। यदि कोई भी कंडीशन मैच नहीं करेगी, कोई भी इससे मैच नहीं करेगा, तो ये डिफॉल्ट में जो लिखा है वो काम कर देगा, ये डिफॉल्ट लास्ट में जो लिखा है उसको मैचिंग करेक्टर के रूप में मानेगा, और उसमें जो भी एक्शन करने को कहा है वो प्रिंट कर देगा। यहाँ हर केस मैच के बाद में हमने ब्रेक लिखा है, ये ब्रेक इसलिए है क्योंकि जब एक केस मैच कर जाता है तब तक, तब उसके बाद में आगे के केसेस को ये मैच करवाने का काम नहीं करता है, और आगे जो एक्शन है उनको सबको करता है। मतलब जैसे हमने अपर केस या लोअर केस ए लिख दिया है तो एक केस मैच हो गया, उसके बाद में ए काउंट में 1 ऐड कर लेगा, यदि ये ब्रेक नहीं लिखा है तो बी काउंट में ऐड कर लेगा, ये ब्रेक नहीं लिखा तो सी काउंट में ऐड कर लेगा, एंड सो ऑन, ये आगे चलता जाएगा। इसलिए ब्रेक लिखते ही ये स्विच स्टेटमेंट के बाहर आ जाता है, जो ही इसको ब्रेक मिलता है ये स्विच स्टेटमेंट के बाहर आ जाता है।
इस तरह से जो केस है वो और कोई एक्शन नहीं करता, और जो स्विच केस है वो एक ही बार एक्शन करता है। ये रिपीटेटिव स्टेटमेंट नहीं है। जैसे व्हाइल को हम देखते हैं, ये रिपीटेटिव स्टेटमेंट है, इसमें बहुत सारे एक्शंस होते हैं जब तक कि इसको एंड ऑफ करेक्टर नहीं मिलेगा, या जो सेंटिनल वैल्यू नहीं मिलेगी, या काउंटर का मेरे को फॉल्स कंडीशन नहीं मिलेगी, तब तक ये रिपीट होता रहेगा। स्विच रिपीट नहीं होता है, स्विच वन टाइम है। इसमें एक बार हमने कोई कंट्रोल स्टेटमेंट में जो वैल्यू दे दी वो किसी एक से मैच करेगा, उसके अकॉर्डिंग जो एक्शन दिए वो पूरे करेगा, और बाद में इसका एंड हो जाएगा। हम कई जगह देखते हैं, जैसे इस केस अपर केस है, बाद में हमने कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ ब्रेक कुछ नहीं लिया, बाद में केस लोअर केस ए मैच करा लिया। इसी तरह से इधर देखें, केस न्यू लाइन करेक्टर मिला लिया, टैब मिला लिया, स्पेस मिला लिया। इस तरह से हम कई केसेस को मैच कराना चाहते हैं तो उनको सबको वन बाय वन लिख देते हैं, और उसके बाद में सारे स्टेटमेंट्स लिखते हैं, और उसके बाद में ब्रेक लिख देते हैं। इस तरह से हम स्विच में कर सकते हैं, मतलब जो भी लेबल्स हैं उनको सबको लिस्टिंग कर सकते हैं, एक से ज़्यादा लेबल्स एक साथ लगा सकते हैं। इसको एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। ये है स्विच केस का एग्जाम्पल, जिसमें पहले इनिशियलाइज कर दिया, ए बी सी डी ई काउंट को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद में व्हाइल स्टेटमेंट, जिसमें एक करेक्टर गेट करेक्टर से रीड कर रहे हैं, ग्रेड इक्वल को वो वैल्यूज करेक्टर के असाइन कर रहे हैं, और कंडीशन नॉट इक्वल टू ई ओ एफ मैच करवा रहे हैं। उसके बाद में स्विच स्टेटमेंट है, जिसके पैरेंथेसिस में ग्रेड लिख दिया है, केस मैच करवा रहे हैं, ए लोअर केस है, ए में काउंट कर रहे हैं, ब्रेक, बी को मैच करवा रहे हैं, बी में ऐड कर रहे हैं, ब्रेक, बाद में सी सी को मैच करवा रहे हैं, सी काउंट में इंक्रीमेंट, ब्रेक, डी मैचिंग, डी काउंट में इंक्रीमेंट, ब्रेक, ई काउंट, ई मैचिंग, ई काउंट में इंक्रीमेंट, ब्रेक, एफ मैचिंग, एफ काउंट में इंक्रीमेंट, ब्रेक, बाद में न्यू लाइन, टैब और स्पेस, इनको इग्नोर करने के लिए सीधा ब्रेक, और बाद में डिफॉल्ट, डिफॉल्ट में यदि इनके अलावा कोई करेक्टर मिला तो ये प्रिंट करे इनकरेक्ट लेटर ग्रेड एंटर्ड, एंटर ए न्यू ग्रेड। उसके बाद में सब जो हैं ए बी सी डी ई एफ, किसकी किसको कितनी बार हमने एंटर किया है वो ये प्रिंट कर देगा। हम प्रोग्राम को कंपाइल और रन करके देखते हैं। कंपाइल हो गया, एंटर, हम कोई एंटर करते हैं ग्रेड ए, और बाद में कंट्रोल डी प्रेस कर देता हूँ, मतलब हमने एक को एक बार एंटर किया है और किसी को एंटर नहीं किया। दोबारा रन करके देखता हूँ, अपर केस ए कंट्रोल डी, तब भी एक को एक बार प्रिंट किया और इनपुट में दिया और किसी को नहीं दिया। फिर से रन करके देखते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, ये ए बी सी डी ई एफ ये इनपुट के रूप में देने हैं, यदि जी देते हैं तो ये प्रिंट कर रहा है इनकरेक्ट ग्रेड एंटर्ड, एंटर ए न्यू ग्रेड। अब हम एंड करके देखते हैं, सबको एक एक बार इनपुट में दिया तो एक एक बार आउटपुट में आ गया। हम फिर से रन करके देखते हैं, यहाँ हम स्पेस को इनपुट में देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एंटर की कितनी बार प्रेस कर दो कोई दिक्कत नहीं है, टैब की प्रेस कर दो कोई दिक्कत नहीं है। हम ये इतने इनपुट में दे दिए, कंट्रोल डी प्रेस किया तो इसने ये सब काउंट कर लिए, ए कितनी बार दिया है, बी कितनी बार दिया है, सी कितनी बार दिया है, डी कितनी बार दिया है, सबको काउंट करके यहाँ लिख दिया है। यहाँ पर ध्यान देने लायक ये बात है कि सी प्रोग्रामिंग जो है, या C++ प्रोग्रामिंग है, उसमें स्विच स्टेटमेंट है उसको ओनली इंटीजर्स को टेस्ट करने के लिए ही काम में लिया जा सकता है, क्योंकि ये सिर्फ
एग्जैक्ट मैचिंग, इक्वलिटी मैचिंग को चेक करता है। इक्वलिटी मैचिंग हम इंटीजर्स के लिए कर सकते हैं, करेक्टर्स हैं वो भी इंटीजर्स की फॉर्म है, इसलिए उनको भी हम इस तरह से चेक कर सकते हैं, क्योंकि जो इंटीजर्स हैं उनकी ये करेक्टर हैं उनकी इंटीजर वैल्यू को काम में लेके उनकी मैचिंग कर लेता है, इंटीजर्स को डायरेक्टली एग्जैक्ट वैल्यू से मैच कर सकते हैं। सी प्रोग्रामिंग में स्विच स्टेटमेंट हम रियल नंबर्स के लिए, या जो इक्वलिटी नहीं है, इक्वल मैचिंग नहीं है, उनके लिए काम में नहीं ले सकते। हम एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, जो एक फॉर स्टेटमेंट है वो 97 से 126 तक जो भी करेक्ट इंटीजर्स हैं उनको प्रिंट कर रहा है, मतलब एक फॉर लूप लिया है जो आई इक्वल टू 97 से स्टार्ट होगा, आई लेस देन 126 तक चलेगा और आई की वैल्यू को वन बाई वन इंक्रीज करते हुए प्रिंट कर देगा। प्रिंट में दो कन्वर्जन स्पेसिफायर लिए हैं, परसेंटेज डी एंड परसेंटेज सी, दोनों को टेब से सेपरेट किया है और प्रिंट दोनों जगह सेम ही इंटीजर किया है आई एंड आई। तो पहले कन्वर्जन स्पेसिफायर परसेंटेज डी की जगह एक इंटीजर आई की वैल्यू प्रिंट होगी, दूसरी जगह परसेंटेज सी जो कन्वर्जन स्पेसिफायर करेक्टर का वहाँ भी एक इंटीजर की वैल्यू प्रिंट होगी। हम इनको कंपाइल और रन करके देख लेते हैं। ये कंपाइल हो गया, रन किया है तो ये बहुत सारी वैल्यूज आ गई 97। इसका मतलब हुआ कि 97 जो इंटीजर है उसके कॉरस्पॉन्डिंग करेक्टर ए है, 98 के कॉरस्पॉन्डिंग करेक्टर बी है लोअर केस, 99 सी, 900 के कॉरस्पॉन्डिंग डी एंड सोन, इस तरह से 122 जो इंटीजर है उसके कॉरस्पॉन्डिंग अपर केस जेड है। ये 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस दिखा रहा है लोअर केस अल्फाबेट्स की। इस तरह से हम इंटीजर में देखें तो इंटीजर में कई तरह के डाटा टाइप होते हैं, जिनमें इंटीजर और कैरेक्टर हम देख चुके हैं। उसके अलावा और डाटा टाइप होते हैं, वो है शॉर्ट इंटीजर। शॉर्ट इंटीजर इंटीजर इसको नॉर्मली शॉर्ट भी लिखते हैं। ये इंटीजर 4 byte काम में लेता है, शॉर्ट है वो 2 bytes ही काम में लेता है, मतलब कम मेमोरी में ही ये काम कर जाता है। लॉन्ग इंटीजर है, यदि हमारी कैलकुलेशंस बड़ी हैं, हमें बड़े नंबर्स को कैलकुलेट करना है तो हम लॉन्ग इंट काम में लेते हैं, जिसका प्रिसीजन इंट से ज़्यादा होता है, नॉर्मल इंटीजर से ज़्यादा होता है, नॉर्मली उसको लॉन्ग भी लिखते हैं। इसी तरह से हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देखें तो शॉर्ट इंटीजर है उसकी मिनिमम वैल्यू -32768 से लेकर +32767 तक होती है। इसी तरह से इंटीजर की जो रेंज है वो 2147483648 की नेगेटिव वैल्यू से स्टार्ट होकर 2147483647 तक जाती है। उसके अलावा शॉर्ट जो लॉन्ग इंटीजर हैं कुछ मशीनों में उन वो नॉर्मल इंटीजर के बराबर ही मिलेंगे। नॉर्मली 64-bit मशीन जो है उनमें लॉन्ग इंटीजर का प्रिसीजन ज़्यादा होता है, वो 8 bytes में स्टोर होता है। हम यदि बात करें करेक्टर्स की तो नॉर्मली ये 1 से लेकर 130 तक स्टोर होते हैं, लेकिन हम यदि साइंड करेक्टर्स की बात करें तो वो -127 से 127 तक के इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हम प्रिंट करके देखते हैं तो हम लिखते हैं एक प्रोग्राम जो 1 से लेकर 127 तक इंटीजर्स को प्रिंट करे और वो भी एक एज ए इंटीजर एंड एज ए करेक्टर वैल्यू दोनों प्रिंट करे। तो हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, कंपाइल हो गया, रन करते हैं और रन किए हुए को देखते हैं। यहाँ 1, 2, 3, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ करेक्टर है जो मेरी मशीन डिस्प्ले नहीं कर पा रही है, 5 के कॉरस्पॉन्डिंग भी नहीं डिस्प्ले नहीं हो रहा है, 6 के कॉरस्पॉन्डिंग भी नहीं हो रहा है, 7, 8, 9 का डिस्प्ले नहीं आ रहा है, 10 के कॉरस्पॉन्डिंग 10, 11 और 12 के कॉरस्पॉन्डिंग एग्जैक्ट क्या है नहीं पता चल रहा, लेकिन यहाँ न्यू लाइन जैसा कुछ लग रहा है। 13, 14, 15 का डिस्प्ले नहीं आ रहा है, 16 से लेकर 31 तक के जो नंबर हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग क्या करेक्टर है वो मेरी मशीन में इंस्टॉल्ड नहीं है, इसलिए डिस्प्ले में हमें एक बॉक्स दिखाई दे रहा है। 32 के कॉरस्पॉन्डिंग एक सिंगल स्पेस है, मतलब सिंगल स्पेस करेक्टर है वो 32 को रिप्रेजेंट करता है।
एक्सक्लेमेटरी साइन है वो 33 को रिप्रेजेंट करता है, डबल कोटेशन मार्क है 34 को रिप्रेजेंट करता है, हैश 35 को, डॉलर साइन 36 को, परसेंटेज 37 को, एम परसेंट 38 को, सिंगल कोट 39 को, लेफ्ट पैरेंथेसिस 40, राइट पैरेंथेसिस 41, स्टार 42, प्लस 43, कोमा 44, हाइपन 45, डॉट 46, स्लेस फॉरवर्ड स्लेस 47, जीरो जो डिजिट है वो 48 को, नाइन जो डिजिट है उसको एज ए करेक्टर देखें वो 57 करेक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग है, कोलन 58, सेमी कोलन 59, लेफ्ट एंगल ब्रेस 60, इक्वल साइन 61, राइट एंगल ब्रेस 62, क्वेश्चन मार्क 63, एट 64, अपर केस है 65, और बाद में ये अपर केस लेटर्स के लिए लगातार हैं 90 तक, बाद में लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट 91, बैक स्लेस 92, राइट स्क्वायर ब्रैकेट 93, कैरेट या हैट 94, अंडरस्कोर 95, लेफ्ट कोट लेफ्ट सिंगल कोट 96, लोअर केस ए 97, एंड देन लोअर केस लेटर्स के लिए हैं जेड 122, उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट 123, पाइपलाइन 124, राइट कर्ली ब्रैकेट 125, टिल्डे 126, ये 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है करेक्टर और इंटीजर्स की। डू व्हाइल रिपीटेशन स्टेटमेंट, हम व्हाइल रिपीटेशन स्टेटमेंट जिस तरह से काम में लेते हैं उस वैसा ही है डू व्हाइल रिपीटेशन स्टेटमेंट। दोनों में डिफरेंस इतना है कि व्हाइल रिपीटेशन हम जब काम में लेते हैं तो सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, उसके बाद में उसकी बॉडी में जो एक्शन करने को कहा है उन एक्शंस का टेस्ट होता है। लेकिन जब हम डू व्हाइल की बात करते हैं तो डू व्हाइल में सबसे पहले एक्शंस किए जाते हैं, उसके बाद में कंडीशन चेक की जाती है, और कंडीशन तय करती है कि नेक्स्ट राउंड करना है या नहीं करना। मतलब सबसे फर्स्ट राउंड जो है वो विदाउट एनी कंडीशन होता है, उसके बाद में कंडीशन चेक होके कंडीशन के अकॉर्डिंग आउटपुट आता है, एग्जीक्यूशन होते हैं, एग्जीक्यूट किए जाते हैं, काम में लिए जाते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं डू व्हाइल का, तो यहाँ अनसाइंड इंटीजर है काउंटर, उसको वन कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया, डू प्रिंट काउंटर को प्रिंट कर दिया, काउंटर की जो वैल्यू अनसाइन प्रिंट इंटीजर है उसको प्रिंट कर दिया, यहाँ स्पेस दिया, न्यू लाइन नहीं दिया, इसका मतलब सब कुछ एक ही लाइन में आएगा, और काउंटर की वैल्यू को एक इंक्रीज कर दिया, और फिर कंडीशन लगाई है। अब यदि ये कंडीशन ट्रू है तो नेक्स्ट राउंड होगा, अदरवाइज यहाँ फर्स्ट राउंड हो चुका है। इसका हम आउटपुट देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आउटपुट होगा। हम रियल में इसको करके देख लेते हैं एग्जांपल को, तो ये सेम प्रोग्राम है, काउंटर को इनिशियलाइज किया वन से, डू स्टार्ट होता है, काउंटर को प्रिंट करते हैं विद सिंगल स्पेस नॉट न्यू लाइन, काउंटर की वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट करते हैं, कंडीशन लगाते हैं, चेक करते हैं, कंपाइल हो गया, रन किया, आउटपुट 1-to-10 आ गया। ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स हम देख चुके हैं, जब हम स्विच काम में लेते हैं तो उसमें हम ब्रेक भी लिखते हैं, तो इस तरह से ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट को कहाँ कहाँ काम में लेते हैं। तो ब्रेक जो स्टेटमेंट है उसको हम व्हाइल, फॉर और डू व्हाइल एंड स्विच, इन चारों तरह के स्टेटमेंट्स में काम में लेते हैं। कंटिन्यू है उसको सिर्फ रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स में काम में लेते हैं, व्हाइल, फॉर और डू व्हाइल में। कुछ एग्जांपल्स लिख के समझने की कोशिश करते हैं। तो एक प्रोग्राम लिखा है जिसमें एक इंटीजर डिक्लेयर किया है, फॉर लूप लगाया है, इंटीजर जो डिक्लेयर किया वो एक्स है, उसको इनिशियलाइज फॉर लूप में वन से किया है, कंडीशन में 10 तक प्रिंट कर रहे हैं और इंक्रीमेंट भी डाल दिया है, लेकिन यहाँ बीच में ब्रेक स्टेटमेंट काम में लिया है। किस तरह से? इफ़ एक्स इज इक्वल्स टू 5
तो ब्रेक मतलब अक्स इक्वेलिटी ऑपरेटर से हम चेक कर रहे हैं, यदि अक्स की वैल्यू 5 है तो ये ब्रेक हो जाए। अक्स की वैल्यू 5 होने पर इस ये ब्रेक स्टेटमेंट चेक करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। और इसका मतलब ये है कि जब ब्रेक स्टेटमेंट जहाँ कहीं भी इसको फॉर लूप में मिलेगा, या वाइल में या डू वाइल में या स्विच में, जिस भी में भी ये ब्रेक स्टेटमेंट मिलता है, ये वहाँ पर उस कंट्रोल स्ट्रक्चर से, उस स्ट्रक्चर से बाहर आ जाता है। मतलब यहाँ फॉर स्टेटमेंट को हम देखें, एक्स इक्वल टू 1 कंडीशन सेटिस्फाई होती है फॉर लूप की, इफ़ की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है ये एक्स इक्वल टू 1 तो 1 को प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट एक्स इक्वल टू 2 होगा, कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई होती है, वह इफ़ की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, 2 को प्रिंट कर देगा, 3 को प्रिंट कर देगा, 4 को प्रिंट कर देगा, जो ही 5 होगा यहाँ इफ़ की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी और ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक का मतलब यहाँ फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। और उसके बाद में हमने प्रिंट किया ब्रोक आउट ऑफ लूप एट एक्स इक्वल टू, एक्स की जो भी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। हम एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। ये एक एग्जाम्पल जो हम देख रहे थे उसको लिख लिया है, इसको कंपाइल और रन करके देखते हैं। कंपाइल हो गया, रन किया, एग्जैक्टली एक्स इक्वल टू 1, 2, 3, 4 तक प्रिंट हुआ। उसके बाद में लूप ओवर हो गया, लूप ब्रेक हो गया, और लूप जब ब्रेक हुआ तो उसमें एक्स की वैल्यू 5 थी। कंटिन्यू को देखते हैं, जहाँ ब्रेक लिखा था वहीं पे कंटिन्यू लिख दिया। कंटिन्यू का मतलब है अब ये एक्स की वैल्यू जो कंटिन्यू लिख दिया है, मतलब आगे भैया एक्स की वैल्यू काम में नहीं लेगा और सीधा इंक्रीमेंट के पास चला जाएगा, मतलब नेक्स्ट राउंड में चला जाएगा। इस तरह से जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है वो उस सिर्फ एक वैल्यू को स्किप करवाएगा। हम इसको कंपाइल और रन करके देखते हैं। ये वही प्रोग्राम है, इफ एक्स इक्वल टू 5 कंटिन्यू, बाकी एज इट इज। कंपाइल किया, रन किया, यहाँ हम देखते हैं 1, 2, 3, 4 प्रिंट हुआ है, 5 स्किप हो गया है, फिर 6, 7, 8, 9, 10 प्रिंट हो गया है। और यहाँ नीचे जो लिखा था यूज कंटिन्यू टू स्किप प्रिंटिंग द वैल्यू 5 वो प्रिंट हो गया। लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं हम देखते हैं। तो लॉजिकल, तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेटर नॉर्मली हम काम में लेते हैं, उनकी ट्रुथ टेबल यहाँ बना रहे हैं। ट्रुथ टेबल से पहले समझने की कोशिश करते हैं, सत्य मान सारणी से समझने की कोशिश करते हैं। तो लॉजिकल एंड होता है कोई दो एक्सप्रेशन है, उन एक्सप्रेशंस को हम यस, उनके रिजल्ट को यस और नो या फॉल्स और ट्रू के रूप में देखें। तो एम दोनों का लॉजिकल एंड होता है वो फॉल्स होगा यदि दोनों में से एक भी फॉल्स है। सी प्रोग्रामिंग में लॉजिकल एंड को काम में लेने के लिए 2 बार एम% लिखते हैं विदाउट एनी स्पेस, बीच में कोई स्पेस नहीं होगा दोनों एम% के। और लॉजिकल और है उसके लिए 2 बार पाइपलाइन काम में लेते हैं विदाउट एनी स्पेस, मतलब लगातार 2 पाइपलाइन हम लिखेंगे। तो सी प्रोग्रामिंग है वो एंड और लॉजिकल जो ऑपरेटर्स हैं उनको 0 और 1 के रूप में इवोल्यूट करता है, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग में फ्लैग नहीं होता, ट्रू और फॉल्स का फ्लैग नहीं होता, इसलिए ट्रू मतलब 1 और फॉल्स मतलब 0। और नॉर्मली सी प्रोग्रामिंग में हम इनपुट के रूप में कोई भी नॉन जीरो वैल्यू देते हैं तो उसको 1 कंसिडर करता है, मतलब ट्रू कंसिडर करता है। इसलिए नॉर्मली सी प्रोग्रामिंग के लिए हम लिखें सी या सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के लिए, तो लॉजिकल एंड और लॉजिकल और की ट्रुथ टेबल कुछ इस तरह से होंगी कि दोनों में से कोई भी एक्सप्रेशन, लॉजिकल एंड के लिए कोई भी एक्सप्रेशन 0 है तो लॉजिकल एंड 0 होगा, और यदि दोनों एक्सप्रेशन ही नॉन जीरो हैं तो लॉजिकल एंड 1 हो जाएगा। इसी तरह से लॉजिकल और को देखें, तो लॉजिकल और में यदि दोनों में से कोई भी एक
एक्सप्रेशन नॉन जीरो है तो लॉजिकल और उनका वन हो जाएगा। यदि दोनों एक्सप्रेशन लॉजिकल और के दोनों तरफ की दोनों एक्सप्रेशन जीरो हैं तो लॉजिकल और भी जीरो होगा। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं वो कितने भी कॉम्प्लेक्स कंडीशंस हैं उनके लिए काम में लिए जा सकते हैं। उनको हम एंड, लॉजिकल एंड और लॉजिकल और से कंबाइन कर लेते हैं। ज़रूरत पड़े तो लॉजिकल नॉट, जिसको लॉजिकल नेगेशन ऑपरेटर कहते हैं, वो भी काम में ले सकते हैं। लॉजिकल एंड के लिए सी प्रोग्रामिंग में डबल एम परसेंट काम में लेंगे और वो वन होगा। यदि दोनों कंडीशन ट्रू हैं तब लॉजिकल एंड भी ट्रू होगा, मतलब वन होगा। इसी तरह से लॉजिकल और है, उसको सी प्रोग्रामिंग में डबल पाइपलाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और ये ट्रू होगा यदि दोनों में से कोई भी एक एक्सप्रेशन ट्रू है या नॉन जीरो है। जो लॉजिकल एंड और लॉजिकल और ऑपरेटर्स हैं उनमें हायर प्रेसिडेंस होती है लॉजिकल एंड की, लॉजिकल और की प्रेसिडेंस कम होती है। मतलब हम कोई इस तरह के एक्सप्रेशन लिखते हैं कि एक्सप्रेशन वन लिख दी और बाद में और स्टेटमेंट एक्सप्रेशन टू और बाद में एंड स्टेटमेंट एंड लॉजिकल एंड और बाद में एक्सप्रेशन थ्री, तो ये सबसे पहले एक्सप्रेशन टू एंड एक्सप्रेशन थ्री को इवोल्यूट करेगा, उसके बाद में एक्सप्रेशन वन को इवोल्यूट करेगा। क्योंकि लॉजिकल एंड है उसकी प्रेसिडेंस, उसकी वरीयता ज़्यादा होती है। यदि एक ही रो में एक से ज़्यादा लॉजिकल एंड आ रहे हैं या एक से ज़्यादा लॉजिकल और आ रहे हैं तो उनमें सेम ऑपरेटर बार बार रिपीट हो रहा है, तो उनमें प्रेसिडेंस लेफ्ट टू राइट होगी, लेफ्ट टू राइट ये इवोल्यूट करेगा। कोई भी लॉजिकल एंड और लॉजिकल और की जो एक्सप्रेशन है उनको ये तब तक इवोल्यूट करता है, तब तक उनकी कैलकुलेशन करता है, तब तक उनकी गणना करेगा जब तक कि पूरा जो कंप्लीट एक्सप्रेशन बनता है वो ट्रू या फॉल्स के रूप में, सत्य या असत्य के रूप में नहीं आ जाता। लॉजिकल नॉट की बात करें तो ये होता है, इसको एक्सक्लेमेटरी साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब कोई भी एक्सप्रेशन है उसके पहले एक्सक्लेमेटरी साइन लगा देंगे। और लॉजिकल नॉट है वो वन होगा यदि एक्सप्रेशन है वो जीरो है, और लॉजिकल नॉट जीरो होगा यदि वो एक्सप्रेशन नॉन जीरो है। इस तरह से हम लॉजिकल नॉट है उसको ओरिजिनल कंडीशन में के पाथ में एक्सक्लेमेटरी साइन लगा के लगा सकते हैं। लॉजिकल नॉट जो है वो किसी भी एक्सप्रेशन का मीनिंग ओपोजिट करने के लिए, रिवर्स करने के लिए काम में लिया जाता है। ये यूनरी ऑपरेटर है। जो लॉजिकल एंड और लॉजिकल और हैं वो बाइनरी ऑपरेटर हैं, वो दो कंडीशंस के बीच में लगता है। लेकिन लॉजिकल नॉट है वो एक ही कंडीशन एक ही एक्सप्रेशन के साथ लग जाता है, ये यूनरी ऑपरेटर है। इसके अलावा हम जानते हैं कि हम कोई भी कंडीशन है उसको इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर दो एग्जांपल लिए हैं, एक्सप्रेशन वन एंड एक्सप्रेशन टू और उसका नेगेशन, तो उसको हम नेगेशन ऑफ एक्सप्रेशन वन और नेगेशन ऑफ एक्सप्रेशन टू लिख सकते हैं। मतलब जैसे हम कोई दो एक्सप्रेशन लें कि ए बी से बड़ा है और सी डी से बड़ा है, तो हम कंडीशन लगाएंगे ए ग्रेटर देन बी एंड बी सी ग्रेटर देन डी, और उसका ऑपोजिट हमें लेना है तो हम लेंगे नॉट, उसका नेगेशन है वो उनके पहले लगा देंगे। लेकिन उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ए लेस देन बी, मतलब ए ग्रेटर देन बी का नेगेशन ए लेस देन और इक्वल टू बी, सी ग्रेटर देन बी डी का नेगेशन सी लेस देन और इक्वल टू डी, और उनके बीच में और लगा दें, सेम ही रिजल्ट रहेगा, समान ही उत्तर रहेगा। इस तरह से हम मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या करते हैं, हम लॉजिकल नेगेशन है उसको काम में नहीं लेते हैं, क्योंकि
क्योंकि हमारा जो भी रिलेशन ऑपरेटर है उससे हम अप्रोप्रिएट को कुछ और तरीकों से भी अप्रोप्रिएट कंडीशन बना लेते हैं, हम काम में लेना चाहें ले सकते हैं। कंफ्यूजिंग इक्वलिटी एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। सी प्रोग्रामिंग में इक्वलिटी के लिए डबल इक्वल साइन है सी और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में, और असाइनमेंट ऑपरेटर के रूप में सिंगल इक्वल साइन है, तो इनमें हमें कई बार कन्फ्यूजन होता है। कई बार जो लर्नर है वो कन्फ्यूजन में रह सकता है, कन्फ्यूज हो सकता है। तो इस कन्फ्यूजन से बाहर आने का क्या तरीका है, ये कन्फ्यूजन से बचने का क्या तरीका है, क्योंकि अच्छा प्रोग्रामर भी कई बार सिंगल इक्वल की जगह डबल इक्वल या डबल इक्वल की जगह सिंगल इक्वल लिख देता है। तो उससे बचने का तरीका ये है कि ये दोनों एक दूसरे से मिक्सअप ना हो। तो उसके लिए हम देखना चाहें कि हमारा कंपाइलर ही हमें एरर दे दे, लेकिन कई जगह कंपाइलर समझ नहीं पाता है कि हम रियलिटी ऐसा चाहते हैं या हमने गलती से लिखा है, इसलिए कंपाइलर कई बार एरर नहीं देता है। तो ऐसा हो उसके लिए हम क्या करें कि कंपाइलर ही एरर दे दे और हमारा रिजल्ट गलत ना हो। तो हम देखते हैं जो इक्वलिटी ऑपरेटर डबल इक्वल साइन है उसमें दोनों तरफ हम एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं, लेकिन असाइनमेंट में हम लेफ्ट साइड में एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते, सिर्फ राइट साइड में लिख सकते हैं। तो हमें हमेशा कोशिश इस तरह से करनी चाहिए, या हम आइडेंटिफायर की बात करें तो इक्वलिटी साइन जो है इक्वलिटी ऑपरेटर डबल इक्वल, उसमें दोनों तरफ हम आइडेंटिफायर लिख सकते हैं, दोनों तरफ हम डिजिट्स लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन असाइनमेंट में आइडेंटिफायर लेफ्ट साइड में लिख सकते हैं, राइट साइड में एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड में एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते, लेफ्ट साइड में नंबर्स नहीं लिख सकते। तो इसके लिए हमें एक इस तरह की आदत डाल लेनी चाहिए कि हम जो भी डिजिट या एक्सप्रेशन है वो लेफ्ट साइड में लिखें इक्वलिटी साइन में, जिससे यदि हमने गलती से डबल इक्वल की जगह सिंगल इक्वल लिख दिया है तो वो कंपाइलर उसको एरर के रूप में हमें बता दे और हम अपनी रन टाइम एरर या जो बग बनती है उससे बच जाए। जो लेफ्ट साइड में वेरिएबल लिखे जाते हैं उनको हम एल वैल्यूज कहते हैं, जो राइट साइड में लिखा जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर के उसको आर वैल्यूज कहते हैं। लेफ्ट साइड वाले को एल वैल्यूज या लेफ्ट वैल्यूज, राइट साइड वाले को आर वैल्यूज या राइट वैल्यूज कहते हैं। हम लेफ्ट वैल्यूज जो है उनको राइट वैल्यूज के रूप में भी राइट साइड में भी काम ले सकते हैं, आर वैल्यूज के रूप में भी, लेकिन उल्टा नहीं कर सकते। राइट आर वैल्यूज में हम एक्सप्रेशन भी काम में ले सकते हैं, एल वैल्यूज में नहीं ले सकते। इस तरह से ये